ने एक घड़ी 5% लाभ पर बेची, बेची तो प्रतिशत लाभ प्रतिशत पर बोला जी। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेंगे लाभ प्रतिशत बराबर 5% दे दिया था ना। उसके बाद यदि घड़ी का लागत मूल्य, लागत मूल्य मतलब खरीदे तो नहीं कहता है कि जब हम इतना लागत मूल्य मेरा था, देखिए मतलब खरीदा हुआ था, इसका मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ था 200 रुपया। तो यहाँ पे कहता है विक्रय मूल्य निकालने के लिए, विक्रय मूल्य बराबर हुआ जी। तो सर यहाँ देखिए ये प्रतिशत एक ही को दिया हुआ है कि दो को दिया हुआ है, एक ही जगह पर दिया हुआ है। तो प्रतिशत के मतलब हुआ 5% के मतलब बटा में 100 जी, 5% दिया हुआ है जी, 5 लिख लेंगे, ये प्रतिशत के मतलब बटा 100 जी। तो 5 से काट लेंगे 5 × 10 तो बराबर 1/2 क्या होगा 20। तो 1/20 हो गया। तो सर जो नीचे वाला रहता है उसको क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। उसके बाद देख लीजिए ये लाभ बोला था ना जी, तो यहाँ पे क्या होगा लाभ होगा। उसके बाद क्या चीज निकालने के लिए कहता है, यहाँ पे विक्रय मूल्य हो गया विक्रय मूल्य जी। अब देख लीजिए इसमें नीचे 20 दिया हुआ था, तो नीचे जो प्रतिशत के जो नीचे दिया हुआ रहेगा वो हमेशा तो हमेशा रहेगा क्रय मूल्य ही। तो नीचे 20 को हो जाएगा, यानी 20 रुपये क्रय मूल्य हो गया, ऊपर में 1 है तो यहाँ लाभ है ना, 1 रुपये का लाभ होगा। तो बेचेंगे क्या रुपया में, 21 रुपया बेच देंगे। अब देख लीजिए क्रय मूल्य दिया हुआ है, तो क्रय मूल्य के सामने कितना हो जाएगा, इससे क्या गुना है 10 गुना है, इसमें भी 10 से गुना कर लेंगे, इसमें भी 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा 210 होगा, ये कितना होगा। अब हमको क्वेश्चन पूछ लेगा सर आप हमको बताइए जब एक आदमी ने घड़ी 5% लागत मूल्य पर बेची, यदि घड़ी का लागत मूल्य 200 रुपया था तो इसका विक्रय मूल्य क्या था। तो विक्रय मूल्य पूछे तो विक्रय मूल्य 210। अब कोई आएगा कहेगा ना हमरा बताओ लाभ क्या रुपया होगा, तो लाभ भी 10 रुपया हो जाएगा, एक ही दाम में सारा चीज निकल गया। आप फॉर्मूला से चलते तो एक ही बोला निकलता कोई चीज, फिर उसको दिमाग लगाते फिर लाभ बराबर फॉर्मूला क्या लिखते, विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य लिखते कि ना लिखते। हाँ तब फिर बस निकल गया।